अस्सलामु अलैकुम नासीन, बिग बैंग क्या है? आज हम अनफचार असीम यानी के बिग बैंग के बारे में बात करेंगे और इस पर बहस करेंगे कि ये कायनात कैसे शुरू हुई, इसका नुक्ता आगाज़ क्या था। आज हम कायनात के पहले लम्हे यानी के नुक्ता आगाज़ पर बहस करेंगे, जो कि सवाल हमेशा से इंसान के दिमाग में खलबलाते रहते हैं। इसमें से अव्वल कायनात के सरबस्ता राजों का हसूल है, जिनमें से कुछ से पर्दा उठाया जा सकता है और बहुत सों को खोज भी अभी इनकी बाकी है। बिग बैंग अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग दरअसल वो धमाका है जिससे हमारी ये नज़र आने वाली कायनात वजूद में आई। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादे एक सुई के हज़ारवें हिस्से के बराबर नहायत ही खफीस सी जगह पर पुरेसरार तौर पर कैद थे। अगर मादे में बहुत ज़्यादा तवनाई हो तो दुनिया के किसी भी ज़रिए से हासिल करदा तवनाई से ज़ायद तो कशिय शकल यानी ग्रेविटी चीज़ों को अपनी जानब खींचने की बजाय एक दूसरे से दूर धकेलने वाली कुव्वत में तब्दील हो जाती है। चुनाचा साइंस के मुताबिक यही बिग बैंग का वो नुक्ता आगाज़ था जब तमाम मादे एक बड़े महधमाके के बाद इंतहाई तेज़ रफ्तारी से एक दूसरे से दूर होने लगे और खिला में फैल गए। इस वक्त इसकी रफ़्तार इस कदर ज़्यादा होने की वजह से ये कायनात में तेज़ी से फैलने लगे और मुसलसल फैल रहे हैं। आज इस बिग बैंग को यानी कि हमारी कायनात के नुक्ता आगाज़ को तकरीबन 1.13.18 अरब साल गुजर चुके हैं। आप में से अक्सर लोग ये सोचेंगे कि भला इंसान के पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कायनात की उम्र बता सकती है। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि टेलीस्कोप में जो सबसे पुरानी कहकशाएं नज़र आई हैं वो आज से तकरीबन 13 अरब नूरी साल पुरानी ही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।